हेलो एवरीवन, सो आई एम ऋचा तापड़िया एंड मैं आज आप लोगों को ओसी पढ़ाने वाली हूँ। सो टुडे विल स्टार्ट द चैप्टर दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर नंबर 8। बिजनेस फाइनेंस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इट विल बी हेल्पफुल यू इन फ्यूचर। जो लोग भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आगे फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो उनके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सो बी केयरफुल एंड लिसन इट केयरफुली, ओके? सो फर्स्ट वन विल स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस। क्या होता है बिजनेस फाइनेंस? वी से कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है। दे विल गो इन प्रोडक्शन, राइट? और ट्रेडिंग, हम बोलते हैं बिजनेस में क्या होता है, या तो हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेंगे, सर्विसेज करेंगे, या फिर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं या एनीथिंग एल्स। कोई भी प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उस केस के अंदर हम लोग को क्या चाहिए? उस केस में हम लोग को फाइनेंस की जरूरत रहती है। उस केस के अंदर हमें फंड की जरूरत होती है, राइट? तो जब हमें फंड की जरूरत होती है उस केस में हम बोलते हैं हाँ, थोड़ा फंड तो है हमारे पास, बट इतना सफिशियंट फंड हमारे पास नहीं होता। जब हमारे पास सफिशियंट फंड नहीं होता सो वी हैव टू टेक दी सोर्सेस। हमें कुछ सोर्सेस की जरूरत रहती है, जैसे मैं बैंक में चली जाऊं, या फिर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लूं, या फिर पब्लिक डिपॉजिट से ले लूं, या हो सकता है मैं मेरे बिजनेस से खुद से क्रिएट कर लूं। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो कि हम ये चैप्टर में रीड करने वाले हैं। कुछ उसके एडवांटेजेस होंगे, कुछ लिमिटेशंस होगी, क्योंकि देखो कोई भी सोर्स होगा वो कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो होंगे। तो वही है कि ये हमें बताएगा कि कौन सा सोर्स ऐसा है जो हमें एडवांटेज भी देगा और हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी दे सकता है। इट्स ऑन अस कि हमें देखना है कि क्या हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है, राइट? अब हो सकता है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। मे बी मुझे हो सकता है 10 साल के लिए चाहिए या मुझे हो सकता है 5 ईयर्स के लिए चाहिए। तो कौन सा सोर्स देगा मुझे? क्या बैंक मुझे 10 साल के लिए दे देगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे देगी? तो ये सारे सोर्सेज को अरेंज करना, जब मुझे फंड को अरेंज करना है, मुझे कितना फंड चाहिए? मुझे 50 लाख का फंड चाहिए। कौन सा सोर्स मुझे देगा और कितने टाइम के लिए देगा जो मेरे बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा? तो वही चीज मैं देखूंगी क्या मेरे लिए अफोर्डेबल है। मैं SBI में चली गई, उसने मुझे कहा 15% पे आपको लोन दे रही हूं, तो क्या मैं ले लूंगी? नहीं, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे 10 जगह पूछना पड़ेगा। ऐसे नहीं मैं चली गई SBI से, मुझे दे दिया उन्होंने लोन, मैंने ले लिया। क्या मुझे ये सब चीजें देखनी पड़ेगी? मुझे देखना पड़ेगा, मैं 10 सोर्स के पास जाऊंगी, मुझे जहां चीपेस्ट रेट में मिलेगा मैं उससे लूंगी। चीपेस्ट रेट के साथ मुझे देखना पड़ेगा जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है मैं उससे। आया समझ में? तो हम ऐसे नहीं है कि मुझे SBI से लेना है या मुझे HDFC से लेना है या मुझे लोन ही लेना है या मुझे कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स लेने हैं। वेरियस सोर्सेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? तो हमें सारे फंड्स का देखना पड़ेगा, कौन सा सोर्स मुझे चीपेस्ट रेट में दे रहा है, अफोर्डेबल रेट में दे रहा है, जो टर्म के लिए मुझे चाहिए उस टर्म के लिए दे रहा है। तो वही ये सब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। सो अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, सो हम बोल सकते हैं जो हम अरेंज करते हैं फंड फॉर द बिजनेस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। ये जो पैसा होता है ये ऐसा नहीं कि हम पर्सनल यूज के लिए ले लें, क्या हम ले सकते हैं? नहीं, ये क्योंकि मैं ये बिजनेस पर्पस के लिए ले रही हूँ, ये फंड मैं बिजनेस में ही यूज कर सकती हूँ। आई कांट टेक इट फॉर द पर्सनल, राइट? तो जो फाइनेंस हम हमारे बिजनेस के लिए लेते हैं फॉर रेजिंग द फंड, फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, फॉर एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। क्लियर है? तो ये सब चीजें होती है बिजनेस फाइनेंस के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज वी विल मूव टू द नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमें क्या जरूरत है, हमें क्यों जरूरत है बिजनेस फाइनेंस की? सो फर्स्ट वन वी रीड दिस, फॉर द एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस मतलब बेटा देखो, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, राइट, तो ऐसा है कि मैं सर्वे नहीं करूंगी। मुझे किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है? मुझे क्लोथिंग में चालू करना है, मुझे बेकरी में चालू करना है, मुझे कॉस्मेटिक्स में चालू करना है, किस में चालू करना है? तो मैं ये तो देखूंगी उस चीज की डिमांड है या नहीं मार्केट में, या ऐसे खोल के बैठ जाऊंगी? नहीं ना, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस अगर करेगा तो सर्वे करेगा कि यार इसकी डिमांड है या नहीं। मैं खोल के बैठ के डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा, लॉस होगा मेरा, है ना? तो वो सब रिसर्च में करूंगी, सर्वे करूंगी। जब ये सब चीजें मैं करूंगी तो मेरा खर्चा लगेगा। तो जब मैं एस्टेब्लिश करूंगी मेरे बिजनेस को, उस केस में भी मुझे फाइनेंस की जरूरत रहेगी, राइट?
तो ये है फर्स्ट वन द फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस. देन सेकंड पॉइंट फॉर परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. अब देखो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें, कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपको कितना फिक्स्ड एसेट्स चाहिए. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी मशीन की जरूरत है. कैसा एक मशीन लेके मैं बैठ जाऊंगी? नहीं, मुझे बहुत मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे फर्नीचर की रिक्वायर्ड होगी, बहुत सारे एसेट्स इसके अंदर मुझे चाहिए. तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी, या मुझे तो फंड की ज्यादा जरूरत होगी. बट वही अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं तो क्या मुझे मशीन की जरूरत है? क्या मुझे बहुत फर्नीचर की जरूरत है? नहीं. ट्रेडिंग में करूंगी, मुझे ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स आपको हर बिजनेस में चाहिए, राइट? हर बिजनेस में चाहिए, बट रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका फाइनेंस. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो हमें बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत रहेगी, और फिक्स कैपिटल चाहिए मीन्स बहुत फंड की जरूरत रहेगी. लेकिन अगर वही अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो नहीं चाहिए. उसमें क्या चाहिए, मुझे एक शॉप की जरूरत है, थोड़ा बहुत फर्नीचर चाहिए, तो उसमें मेरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी. तो वही चीज है बेटा, अगर हमें परचेज करना है फिक्स्ड एसेट्स तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे हमें कितने फंड की जरूरत है, राइट? देन नेक्स्ट वन इज फॉर करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स क्या, वी से वर्किंग कैपिटल. हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है हर बिजनेस में. अब वर्किंग कैपिटल होता क्या है, क्या होता है वर्किंग कैपिटल, ये तो हमें समझ में ही आ रहा है ना? देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, जब हम बोलते हैं डे टू डे एक्सपेंस, जैसे मुझे परचेस करना है रॉ मटेरियल्स, राइट, मुझे सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉइज को, राइट, या मुझे अदर कुछ भी एक्टिविटीज है, स्टेशनरी खरीदना है या कुछ भी छोटी मोटी चीजें खरीदनी है जो मैं बोलती हूँ मेरे डे टू डे एक्सपेंस है. ऐसे नहीं है जो फिक्स एसेट्स हम बोलते एक बार खरीदते हैं ठीक है फिर वो लॉन्ग टर्म चलता है. बट वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, जो मैं बोलूँ ये मेरे डे टू डे एक्सपेंस है, मुझे मेरे खर्चे निकालने रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन वर्किंग कैपिटल में, अगर हम बात करें देखो बिजनेस जो चलता है आज के डेट में, हम बोलते हैं सारा बिजनेस क्रेडिट पे चलता है, कोई इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं करता. जहां कैश पेमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर्स आएंगे नहीं, राइट? तो अगर हम बात करें कि अगर मैंने परचेस किए गुड्स, राइट, अगर मैंने गुड्स यहाँ परचेस किए, इस केस में उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अब 20 डेज का क्रेडिट दे दिया. कितना? 20 डेज का क्रेडिट. और यहां जब मैं सेल कर रही हूं तो मैंने इनको दिया 15 डेज का, राइट? तो अब इस केस के अंदर, सॉरी, यहाँ पे मैंने कहा 15 डेज और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 20 डेज. मतलब जब मैं परचेस कर रही हूँ तो मुझे तो 15 दिन में पेमेंट करना है, बट जब मैं सेल कर रही हूँ मेरी पॉलिसी है कि मैं 20 डेज का क्रेडिट देती हूँ. तो समझ में आ रहा है ये गैप बेटा, 15 डेज में मुझे पेमेंट करना है बट 20 डेज में मेरे पास पैसा आएगा, तो 5 डेज का आपको गैप समझ में आ रहा है? मुझे तो यहाँ पेमेंट पहले ही करना पड़ रहा है, पैसे आएंगे कैसे मेरे पास जब मैंने 20 डेज का यहाँ क्रेडिट दिया है? तो यहाँ तो मेरे पास वो 5 दिन का गैप हो गया और उससे पहले मुझे यहाँ चुकाना पड़ेगा. तो ये क्या है, इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा फंड का जो कि मुझे लेना पड़ेगा. इसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल. अगर यही मैं बोलती 15 डेज का क्रेडिट यहाँ पे और 15 डेज में पैसा मिल जाएगा तो क्या मुझे इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती? नहीं. ये जो हमारा साइकिल चलता है उस पर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल. अगर यहाँ पे मेरा 5 डेज का गैप है तो उस केस में मुझे रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, क्योंकि पैसा आएगा नहीं तो मैं परचेस कैसे करूंगी, परचेस नहीं करूंगी तो सेल कैसे करूंगी, ये साइकिल ऐसे घूमती रहेगी. अगर यही मैं बोलती परचेस और सेल का मेरा क्रेडिट पीरियड 15 डेज है तो शायद मुझे इतनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पैसा आ रहा है टाइम से, उससे मैं परचेस कर लूंगी वापस. मुझे तो मैंने जो परचेस किया वो चुकाना पड़ेगा ना, नहीं तो मुझे देगा ही नहीं सप्लायर वापस कि यार ये तो टाइमली पेमेंट करता नहीं है, कौन देगा मुझे, मार्केट में रैपोर खराब हो जाएगी. तो बेटा ये जो साइकिल है उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल. पैसा आए या नहीं आए मुझे तो पेमेंट करना है, और उसी इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस लेना पड़ेगा, मुझे बाहर से पैसा लेना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा तो अच्छे से समझ लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने. ओके, देन नेक्स्ट इज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, क्या मैं उसी लेवल पे चलती रहूंगी? क्या उसी लेवल पे अगर मैं चलती रही तो क्या मैं मार्केट में टिक पाऊंगी? मेरे मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स है, इतने कॉम्पिटिटर्स है, सब आगे बढ़ रहे और मैं वहीं पे रहूं, तो क्या मैं बिजनेस में ग्रोथ कर पाऊंगी बेटा? नहीं कर पाऊंगी. जो आज की जनरेशन है, जो आज का टाइम है, वो है ग्रोथ का, वो है एक्सपांशन का, वो है मॉडर्नाइजेशन का.
अगर हम कुछ न्यू नहीं लाएंगे, कुछ हम एक्सपांड नहीं करेंगे, कुछ ग्रोथ नहीं करेंगे, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। आप कोई भी चीज में देख लो, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, आप प्रोफेशनल लेवल पे भी देख लो या कोई भी बिजनेस में आप देख लो, जहां ग्रोथ नहीं है वो बिजनेस शट डाउन हो जाएंगे। सो यू हैव टू मूव, यू हैव टू एक्सपांड। अगर आप एक्सपांशन नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो वही चीज। और एक्सपांशन के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। क्या पैसे नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ? नहीं बढ़ सकती। क्या मैं ग्रोथ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो इसीलिए बेटा हम लोगों को रिक्वायरमेंट है बिजनेस फाइनेंस की, हमें रिक्वायरमेंट है फंड्स की, राइट? तो यही है हमारा नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एंड लास्ट वन, दैट इज फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स? क्या फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी आएगी उसका क्या मुझे अभी से पता है? नहीं पता। क्या पता है आगे फ्लड आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, स्ट्राइक्स होने वाली है, कुछ भी पता है मुझे? नहीं पता। तो क्या मैं ऐसे ही बैठ जाऊं यार, पता नहीं होगा या नहीं? नहीं, हमें उस चीज का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे करूं यार, फ्लड आ गया, अब क्या करें? बिजनेस तो डूब रहा है, पैसे जाके लोन से बैंक के पास जाके लोन मांग लिया, बैंक दे देगी? यार तुम्हारा बिजनेस डूब गया और अब हमसे पैसे मांग रहे हो, बैंक पैसे कहां से देगी? बैंक को भरोसा ही नहीं है अब वापस बिजनेस चलेगा या नहीं, तो कैसे बैंक पैसा दे देगी? तो बेटा उस टाइम पे हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो वी हैव टू मेक द प्रोविजन। हमें पहले से पैसा रिक्वायर्ड होना चाहिए, पैसा हमारे पास सफिशियंट होना चाहिए कि आगे कोई कंटिंजेंसी आए, आई विल फेस दैट। मुझे कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अभी से एक एडिक्वेट फंड रखना पड़ेगा, एक सफिशिएंट फंड रखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट? आई थिंक क्लियर है सबको। व्हाट वी रेड इज फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस, फर्स्ट वन। सेकेंड इज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, थर्ड इज फॉर करंट असेट्स, फोर्थ इज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एंड फिफ्थ इज फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट। This is the need of business finance. Clear? So next we move to importance of finance. अब importance of finance क्या है? क्या जरूरी है हमारे लिए finance in the business? क्यों जरूरी है? देखो, जैसे मैं एक example देती हूँ आप लोगों को, जैसे अगर मैंने goods purchase किए, ठीक है, अगर उसने मुझे कितनी credit limit दी कि हाँ आपको 15 days के अंदर payment करना है, ठीक है, 15 डेज में मुझे अगर पेमेंट करना है, और अगर मैं 15 डेज में पेमेंट नहीं कर पाई, मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं था, तो मैं नहीं दे पाई, तो इससे क्या हुआ? पेमेंट तो मैंने किया, 15 का मैंने 20 डेज में किया या 25 डेज में किया, बट क्या हुआ? डिले हो गया पेमेंट। अब क्या वो सप्लायर मुझे वापस रिस्क लेगा ऐसे देने की? नहीं, वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि यार ये तो टाइमली पेमेंट करती नहीं है, तो मैं इसे वापस दूं, और ये वापस अगर मुझे पेमेंट ऐसे नहीं करे तो क्या उसको भी तो कहीं ना कहीं पेमेंट करना होगा। वो सप्लायर है, वो भी कहीं से पेमेंट परचेस करता होगा, उसे भी पेमेंट करना पड़ता होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, कि अगर मैंने उसे टाइमली पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ? मेरी रेपो खराब हो गई, मेरी क्रेडिट वर्थिनेस खराब हो गई इसके अंदर। इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसे लूंगी तो या तो वो मुझे मना कर देगा या कोई एक्सक्यूज दे देगा। मैं कोई दूसरे सप्लायर में गई, सप्लायर के पास गई परचेस करने के लिए, मेरी रेपो खराब है, वो मेरा नाम लेके बोलेगा नहीं नहीं हम तो आपको नहीं दे सकते। तो इससे क्या होता है, हमारी रेपुटेशन खराब होती है। हो सके मैंने 10 बार में एक बार ही ऐसे किया, बट वो क्या करेगा, वो एक बार वाला याद रखेगा, बाकी 9 टाइम्स वो याद नहीं रखेगा कि इसने 9 बार मुझे टाइमली पेमेंट किया। तो ये क्या है, इससे मेरी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हुई। मतलब एक बार अगर मैंने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ, मेरा रेपो खराब हो गया, मार्केट में मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं बेटा फाइनेंस बहुत जरूरी है। अगर हम टाइमली पेमेंट करेंगे, अगर हम टाइमली पैसा देते रहेंगे, तो सप्लायर भी हैप्पी रहेंगे और हमें भी वो लोग गुड्स क्रेडिट पे देते रहेंगे। नहीं तो क्रेडिट पे नहीं देगा तो मुझे इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा, मैं पैसा लाऊंगी कैसे? तो वही चीज है, इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। हमें फाइनेंस अवेलेबल हमारे पास होना चाहिए, टाइमली हमारे पास पैसा होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस बहुत है फाइनेंस का बिजनेस में। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ वी हैव कंप्लीटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। नाउ अब देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो अपने स्टार्टिंग अपना जो चैप्टर है, दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो मैंने कहा इसमें दो टाइप्स के अपने सोर्स होंगे, दैट इज
ओनर्स फंड एंड बोरोअर्स फंड, राइट। ये दो टाइप के हम फंड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड के अंदर हम देखेंगे बेटा तीन टाइप्स के ओनर्स फंड होते हैं, मतलब दैट इज क्रिएटेड इन द बिजनेस। हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हम बाहर से पैसा नहीं लेके आते, हम किसी से बोरो नहीं करते, हमें किसी को इंटरेस्ट पेमेंट करना नहीं रहता। तो ये हमारा ओनर्स फंड है जो कि थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स एंड रिटेन प्रॉफिट्स। जो इक्विटी शेयर्स है वो हमारा वापस बाइफर्केटेड है इन थ्री पार्ट्स, दैट इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, स्वैट इक्विटी शेयर एंड अदर इक्विटी शेयर्स। प्रिफरेंस में हम दो टाइप के पढ़ेंगे, दैट इज रिडीमेबल इन 20 ईयर्स एंड नॉट रिडीमेबल इन 20 ईयर्स, एंड लास्ट इज रिटेन प्रॉफिट। सो फर्स्ट वन दैट इज इक्विटी शेयर्स। हम देखते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। इक्विटी शेयर्स क्या है बेटा, जब हम बोलते हैं कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है, बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उन लोग को फाइनेंस की जरूरत होती है, उनको फंड की जरूरत होती है। सो दे इशू द शेयर्स, उन लोगों को इक्विटी शेयर कंपलसरीली इशू करना पड़ता है। क्यों? अगर मुझे आज 50 लाख की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी, मैं शेयर्स इशू कर दूंगी। क्योंकि जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें इक्विटी शेयर ही कंपलसरी होता है। हम बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ शेयर्स है, राइट, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रिफरेंस शेयर्स। बट इक्विटी शेयर्स कंपलसरीली कंपनी को इशू करना पड़ता है, प्रिफरेंस शेयर्स इज नॉट कंपल्शन। प्रिफरेंस शेयर कंपनी को और फंड चाहिए तो प्रिफरेंस शेयर इशू करेगा, बट इक्विटी शेयर कंपलसरीली इशू करना पड़ता है। ओके, सो जब हम बोलते हैं कंपनी स्टार्ट हो रही है, उस केस के अंदर वो इक्विटी शेयर से अपना फंड रेज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ओके, इस केस में हम बोलते हैं डिविडेंड मिलता है। अगर समझ लो मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, कोई कंपनी में मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, मैंने वहां से शेयर्स ले लिए 1 लाख के, तो उस केस में मैं भी चाहूंगी मुझे कुछ मिले। तो उस केस में मुझे कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है। क्या देती है, डिविडेंड। 1% मुझे डिविडेंड मिलेगा उसके अंदर, बट ये फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर्स जैसे अगर मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर लिया है, तो मैं क्या हो जाती हूँ, वहां की ओनर हो जाती हूँ, वो कंपनी की ओनर हो जाती हूँ। We are the owners of the company. तो उस केस के अंदर हमें डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं है। डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसके बाद पैसे बचेंगे, तो उस केस के अंदर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्रॉफिट के पहले उन लोगों ने सब लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया, सारे आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दिया, फिर प्रॉफिट आया हमारा, प्रॉफिट के बाद टैक्स पे किया, टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचा उसमें पहले किसको दिया जाता है बेटा, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है प्रिफरेंस। तो इस केस के अंदर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले दिया जाता है, और फिर अगर बचता है तो इक्विटी को दे दो, क्यों, वी आर दी ओनर्स, राइट। लेकिन अब आप बोलोगे मैम फिर हमें ओनर्स क्यों बोला जाता है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। हमें ओनर्स इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि इस केस में रिस्क जितना है उतना प्रॉफिट भी है। कोई भी बिजनेस चलाता है तो ओनर क्या बियर करता है, रिस्क बियर करता है। वैसे इक्विटी शेयर होल्डर मैं हूं तो मैं ओनर हो गई, और मैं ओनर हूं तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। तुम ये सोचो कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अगर कमाएगी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा, और अगर कंपनी कम से कम कमाएगी तो भी लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा। लाइक कोई भी बिजनेस में कोई भी प्रोपराइटर को होता है वैसे ही हमें होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ बिजनेस, ठीक है। जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उतना लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, उतना रिस्क भी लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रू ओनर्स जो मैंने आपको अभी बताया, ट्रू ओनर्स होते हैं, हम ओनर्स होते हैं बिजनेस के, हमें सारा रिस्क बेयर करना पड़ता है। प्रिफरेंस शेयर्स वाले इतना कुछ रिस्क बेयर करते नहीं है, उन्हें एक फिक्स परसेंट बोला जाएगा, 10% आपको डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट हुआ उनको दे दिया गया, बस उतना ही प्रॉफिट है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल गया, इक्विटी को नहीं मिला, क्लियर। तो वही चीज है, ट्रू ओनर्स, हम लोग ट्रू ओनर्स होते हैं। सेकंड, राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली, मैं बोल रही हूं ओनर्स है, तो ओनर्स है तो राइट टू वोट तो होगा ही। बिजनेस में कोई भी डिसीजन होंगे मेरा पूरा राइट है, मैं बता सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं वोट दे सकती हूँ कि हाँ ये चीज होनी चाहिए या ये चीज नहीं होनी चाहिए, आई हैव द राइट। ओके, देन थर्ड इज रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड, इसके अंदर डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं है, डिविडेंड मिलना फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला वी आर दी ओनर्स, पैसा बचा तो मिलेगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, पैसा बचेगा तो पहले प्रिफरेंस को मिलेगा फिर हमें मिलेगा। सो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ कुछ फिक्स नहीं होता। प्रॉफिट रिलेटेड, प्रॉफिट होगा तो उतना पैसा मिलेगा,
प्रॉफिट कम होगा तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पूरा डिविडेंड हम पे किस पे डिपेंड करता है? कंपनी के प्रॉफिट पे। कंपनी ज्यादा अर्न करेगी तो ज्यादा हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पूरा सिचुएशन हमारा किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट पे, कंपनी का प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज जनरल मीटिंग। ऑब्वियसली मैं ओनर हूं बिजनेस की, तो मुझे तो पूरा राइट है जनरल मीटिंग अटेंड करने का। मैं सारी जनरल मीटिंग्स अटेंड करूंगी, राइट। क्यों? क्योंकि मैं तो ओनर हूं, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। देन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो हम तो ओनर्स हैं, राइट। तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल क्या मैं बोल सकती हूँ 10 साल बाद आप रिपे कर दो? नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर हैं, हम प्रेफरेंस नहीं है कि 10 साल बाद आपको रिडीम करना है या 20 साल बाद रिडीम करना है। हम इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमें तो पैसा जब ही मिलेगा जब कंपनी डिसॉल्व होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, उससे पहले हमें पैसा नहीं मिल सकता, हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द एंड होता है, जब भी तो कंपनी इक्विटी शेयर ज्यादा इश्यू करना चाहती है, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है पैसा देने का, इसीलिए इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, दैट इज कंपल्शन आल्सो, ओके। देन डिसोल्यूशन, वही चीज है कि भाई डिसोल्यूशन जब होगा, जब भी हमें क्या होगा, रिपेमेंट किया जाएगा, उससे पहले कोई रिपेमेंट नहीं होगा। देन शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन। अब शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन बेटा क्या होता है? इट इज गिवन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जब हम बोलते हैं बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत हम मोटिवेट होते हैं, वो लोग बहुत हैप्पीली सब वर्क करते हैं, तो ये स्पेशली ये जो शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन है वो उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। ये कोई इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं होते हैं या कोई दूसरे हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए नहीं होते हैं, ये पर्सनली स्पेसिफिकली हम बोलते हैं फॉर द डायरेक्टर्स, दैट इज शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। देन नेक्स्ट इज कैपिटल बेनिफिट्स। देखो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बेनिफिट्स बहुत है, ठीक है। हम बोलते हैं उनके लिए डिसएडवांटेजेस भी बहुत है बट प्रॉफिट्स भी तो बहुत है। कैपिटल बेनिफिट्स जैसे हम बोलते हैं राइट शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, ये सब क्या है? ये सब इनको बेनिफिट्स मिलता है। जब भी कंपनी के पास बहुत सरप्लस में प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर इशू कर देती है। बोनस शेयर्स मतलब एक के साथ एक फ्री, राइट। चार शेयर है, चार के बदले मैं आपको दो और दे दूंगा, तो ये फ्री में बोनस में आपको शेयर्स मिल जाते हैं। एंड राइट शेयर्स क्या होते हैं? जब हम बोलते हैं कि कंपनी शेयर इशू कर रही है बट जो प्राइस है उससे कंपे करती है, दैट इज राइट शेयर्स। जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देना पसंद करती है, जो बाहर पब्लिक पे इशू नहीं करेगी, अपने खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको देगी, दैट आर राइट शेयर्स। तो ये सब क्या बेटा? कैपिटल बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को ये भी बेनिफिट है, 100 में शेयर खरीदा, 110 की वैल्यू हो गई तो उस केस में वो सोल्ड भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कैपिटल बेनिफिट, है ना। तो ये सारे क्या है? ये सारे बेनिफिट्स है जो कि हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। रजिस्ट्रेशन हम बोलते हैं ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनके जो भी शेयर्स है वो लिस्टेड होते हैं कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो उस केस के अंदर परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स फ्रीली हो सकते हैं, क्लियर। तो ये सब हमने बेटा क्या देखा? दैट वी ऑल रेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। क्या था उसमें? राइट ओनर्स, राइट टू वोट, रेट ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट रिलेटेड, जनरल मीटिंग, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, लिक्विडेशन, शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन, कैपिटल बेनिफिट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, क्लियर है। अब देखो इसके लिए एक लर्निंग टेक्निक है जो मैंने दी है, दैट इज फॉर ओनली स्कोरिंग द गुड मार्क्स, ओके। आपको ये सिर्फ पहले ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है, समझना है, और देन यू कैन बाय दिस सेंटेंस यू कैन ओनली लर्न दिस, ठीक है, आपको ये पॉइंट्स रिमेम्बर हो जाएंगे। उसके लिए मैंने एक ये सेंटेंस बनाया है जो जिससे आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे, बट ओनली यू डोंट हैव टू डू द रट्टाफिकेशन, पहले चीजों को समझना, क्योंकि हमें पता है उसी में हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो उसी इसीलिए मैंने कुछ ये सेंटेंस बनाया है, सो यू कैन रेफर दैट फॉर द रिमेम्बरिंग ऑफ पॉइंट्स। दैट इज पीएम, द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर्स रिसीव बेनिफिट्स ऑफ राइट टू वोट एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी कैपिटल, ओके। आई रिपीट, पीएम द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर्स रिसीव बेनिफिट्स ऑफ राइट टू वोट एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी कैपिटल। इस सेंटेंस में आपको सारे पॉइंट्स जो है आपके कवर हो जाएंगे। ओनली यू हैव टू लर्न दिस सेंटेंस, जो भी इतना टफ नहीं है, एज आई हैव गिवन द वर्ड पीएम, तो आपको इससे ये सेंटेंस याद रहेगा, क्लियर है बेटा। सो प्लीज राइट दिस एंड लर्न इट, ओके। देन वी मूव टू द टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या होता है टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स,
ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स क्या होता है? देखो, जो हम बोलते हैं कंपनी स्टार्ट होते ही कंपल्सरीली इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ता है। व्हाट गवर्नमेंट सेज कि अगर आप 1 करोड़ के शेयर इशू कर रहे हो उसका 80% आपको मिलना चाहिए। अगर मैंने 1 करोड़ का इक्विटी शेयर्स इशू किया तो उसमें मुझे उसका 80% मिलना चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर कंपनी। तो दैट इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स कि हमें कंपल्सरीली स्टार्ट होने के बाद बिजनेस हमें ये शेयर्स इशू करने पड़ते, दैट इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। देन नेक्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है बेटा? जो हम बोलते हैं हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे डायरेक्टर्स को दिया जाता है। जो हमारे एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, हम उनके नॉलेज को, उनके वर्क को देख के ये कुछ स्वेट इक्विटी शेयर्स है जो कि देते हैं, हमारे एम्प्लॉयज को देते हैं, हमारे डायरेक्टर्स को देते हैं, राइट? हम ये डिस्काउंट रेट पे दे सकते हैं या विदाउट एनी कंसिडरेशन भी हम उनको दे सकते हैं, दैट आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। एंड द लास्ट वन दैट इज अदर इक्विटी शेयर्स। अदर इक्विटी शेयर्स में हम बोलते हैं कुछ इक्विटी शेयर्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैंने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कहा तो ऐसा नहीं है सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि जरूरी नहीं है, कुछ कुछ हम शेयर होल्डर्स को वोट ऑफ राइट देते हैं विद वोटिंग राइट्स, एंड नेक्स्ट विदाउट वोटिंग राइट्स हम उन्हें कुछ डिफरेंशियल राइट्स देते हैं। तो जब हम ये राइट शेयर्स इशू करते हैं उस केस के अंदर हम ये कंडीशंस लिख के रखते हैं उनको। जब हम सर्टिफिकेट, शेयर होता क्या है? एक सर्टिफिकेट ही होता है ना, वो एक सर्टिफिकेट होता है। तो जब ये शेयर्स इशू होते हैं उस केस में हम ये कंडीशंस रख देते हैं दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट और नॉट, तो ये कंडीशंस उन्हें दी जाती है। सो दिस इज अवर टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर वी हैव रेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिफरेंस शेयर्स। अब प्रिफरेंस शेयर्स क्या होता है? जैसे बेटा अपन इक्विटी पढ़ा वैसे प्रिफरेंस होता है, बट इक्विटी शेयर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, ये चीज हम नहीं बोल सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, क्या प्रिफरेंस शेयर्स होते हैं? नहीं होते। प्रिफरेंस शेयर के नाम से ही हमें समझ आता है हर चीज में इनको प्रिफरेंस दी जाती है, इसीलिए लोग इन्वेस्ट इक्विटी में नहीं करते और प्रिफरेंस में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज में प्रिफरेंस चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। जो रिस्क वाले इन्वेस्टर थे दे विल इन्वेस्ट इन इक्विटी, बट जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? वो करेंगे प्रिफरेंस में। तो प्रिफरेंस शेयर वो होते हैं बेटा जो कि इशू किए जाते हैं जब कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत होती है, सो द प्रिफरेंस शेयर्स आर इशूड, और उन्हें एक परसेंटेज डिविडेंड दिया जाता है जो कि फिक्स होता है। 10% डिविडेंड देना है, हाँ इनको दे देंगे। अगर प्रॉफिट हो गया कंपनी को सो दे विल गिवन द प्रिफरेंस ऑफ डिविडेंड, ठीक है? सो दैट इज प्रिफरेंस शेयर। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे हमने इक्विटी की देखी। सो वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट, डिविडेंड। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ सो दे विल गेट द डिविडेंड एट द प्रिफरेंस, राइट? प्रिफरेंस में इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट इज राइट टू वोट। इन लोगों को स्पेसिफिकली कुछ राइट्स दिए जाते हैं मैटर रिलेटेड टू प्रिफरेंस, राइट? इनके शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ इंटरेस्ट, कोई बातें होती है, कोई डिस्कशंस होते हैं, कोई डिसीजंस होते हैं, तो कुछ कुछ में इन लोगों को राइट्स दिए जाते हैं। जैसे इक्विटी शेयर को सब चीजों में डिसीजंस लेने का पूरा राइट है, बट इन लोगों को नहीं रहता, दैट इज राइट टू वोट। थर्ड इज प्रिफरेंस। एज वी स्टडीड इन लोगों को डिविडेंड में भी प्रिफरेंस दिया जाता है, कैपिटल में भी दिया जाता है, हर चीज में इन लोगों को प्रिफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस। वी से कि अगर कोई मार्केट प्राइस होती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चेंज हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं प्रिफरेंस को भी उसी अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड जो होता है उसे एक तरीके इंटरेस्ट ही बोला जाता है बेटा, कि ये इंटरेस्ट ही है, बट इसको नाम दिया गया कि शेयर्स जब दिए जाते हैं तो उन्हें एक डिविडेंड बोला जाता है। Only the name changes, it is dividend. Then proportion of risk, हम बोलते हैं इसमें risk obviously कम है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया पहले, equity में ज्यादा होता है, इसके अंदर कम होता है। And the last one, that is repayment of capital. Repayment of capital भी मैंने आप लोग को बताया कि capital जब payment किया जाता है इन लोगों को एक timely किया जाता है कि 10 साल का मैंने preferential issue किया है, 10 साल बाद इनको payment दिया जाएगा, right? इनका ऐसा नहीं है कि dissolution पे दिया जाएगा जैसे equity का है। इस केस में इनको हमने 10 साल के लिए अगर मैंने प्रिफरेंस शेयर इशू किया है तो आफ्टर 10 इयर्स आई हैव टू रिडीम, आई हैव टू गिव द पेमेंट ऑफ कैपिटल। दैट इज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? सो व्हाट वी स्टडीड, फर्स्ट वन डिविडेंड, राइट टू वोट, प्रिफरेंस, मार्केट प्राइस, प्रपोर्शन ऑफ रिस्क एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, ओके?
अब बेटा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कि आप लोगों के लिए इजी हो, आप लोग इसे याद रख सके, इसीलिए मैंने ये कुछ टेक्निक्स बनाई हैं कि सेंटेंस से आप लोगों को शायद इजी लगे। मुझे इजी लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ शायद आप लोग को भी इजी लगे, इसीलिए मैंने आपके अकॉर्डिंग ये कुछ सेंटेंस बनाए हैं। ठीक है, तो ये आप प्लीज अपनी नोटबुक कॉपीज में लिख लेना कि आपको ये याद है। दैट इज, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए लिखा है, राखी ने अपने प्यार को प्रेफरेंस देके मार्केट प्राइस पे डिविडेंड के साथ राइट टू वोट और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी कर दिया। इसके अंदर हमारी 6 पॉइंट्स कवर हो रहे। ठीक है, मैंने राखी का नाम क्यों लिया यहाँ पे कि आपको याद रहे, कोई सेलिब्रिटी का नाम लेंगे तो आपको शायद उससे याद रहेगा। अब देखो जो मैंने यहाँ पे कैप्स में लिखा है, जैसे मैंने प्यार को पी और आर को कैप्स में लिखा है, जो भी मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हेडिंग है मैंने उसे कैप्स में लिखा है। जैसे प्यार तो पी एंड आर, इट्स रिलेट टू प्रपोर्शन ऑफ रिस्क, राइट। फिर मैंने लिखा है प्रिफरेंस, जो प्रिफरेंस है उसको मैंने कैप्स में लिखा है कि ताकि आपका इसमें पॉइंट कवर हो, प्रिफरेंस दे के मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस आपका इसके अंदर कवर होगा तो मैंने उसे कैप्स में लिखा है। पे डिविडेंड, डिविडेंड को मैंने लिखा है के साथ राइट टू वोट और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन दोनों को भी मैंने कैप्स में लिखा है कि ताकि आपके लिए इजी हो। ओके, सो शायद आपको ये हेल्पफुल करे, सो प्लीज राइट इट एंड लर्न इट। ओके, बट यू डोंट हैव टू डू ओनली द रट्टाफिकेशन, पहले से समझना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये इसमें क्या क्या होता है वो चीज आप समझो, उसके बाद ही आप रट्टाफिकेशन कर। ओके, सो नाउ वी मूव टू टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। अब टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स में बेटा दो टाइप के प्रिफरेंस शेयर्स होते हैं। फर्स्ट द रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर बिफोर 20 ईयर्स। अब रिडीमेबल मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने शेयर्स इशू किए, ठीक है, कंपनी ने इशू कर दिए 15 ईयर्स के लिए प्रिफरेंस शेयर्स। अब वो बोलेंगे कि 15 ईयर्स के बाद मैं रिडीम करूंगा, रिडीम मतलब वापस पैसे आपके दे दूंगा। आज अगर मैंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने कहा कि ठीक है मैं 15 साल के लिए आपको पैसा दे रही हूँ, मैंने 5 लाख का पैसा दे दिया कंपनी को, तो कंपनी मुझे कब देगी? वो बोली 15 साल के बाद दूंगी। तो 15 साल के बाद मुझे मेरा 5 लाख का पैसा मिल जाएगा, इसको बोला जाता है बेटा रिडीमेबल। रिडीम खुद का पैसा जब हमें खुद को मिल जाता है दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल। कंपनी उस वर्ड को यूज करती है रिडीमेबल के नाम से कि हाँ आपको हम आपका 5 लाख रुपए जो है वो दे देंगे और हमारा प्रेफरेंस शेयर्स ले लेंगे, राइट। तो इसे बोला जाता है रिडीमेबल बिफोर 20 ईयर्स। तो कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो 20 साल से पहले ही रिडीम कर दिए जाएंगे, मतलब मैं आपका पैसा आपको दे दूं, कंपनी बोलेगी ठीक है आपको मैं 15 साल में पैसा दे दूंगी। और जो होता है, एक होता है जो आफ्टर 20 ईयर्स, जो मैं बोलूंगी 25 साल के बाद आपको आपका पैसा मिलेगा। बट अब कंपनी ऐसे तो नहीं बोलेगी आपको आपका पैसा 25 साल, वो बोलेगा रिडीमेबल हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। दे यूज द वर्ड रिडीमेबल। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। सो नाउ वी मूव फॉर द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। सो हियर द टेबल इज हियर एंड द डिफरेंसेस बेसिस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। दैट इज, फर्स्ट वन इज कंपल्सरी, सेकेंड इज रेट ऑफ डिविडेंड, थर्ड वन राइट, फोर्थ वन रिस्क, फिफ्थ वन मार्केट प्राइस, सिक्स्थ वन एडिशन ऑफ कैपिटल। तो ये कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे जो कि आपको ये पूरे टेबल में क्लैरिफाई हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या है। जो हमने अभी पढ़ा बस उसी को इसने डिफरेंस करके इसमें बताया। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिटेन प्रॉफिट्स और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखो बेटा रिटेन प्रॉफिट्स क्या होता है, न्यू वर्ड फॉर यू, राइट। तो ये रिटेन प्रॉफिट होता क्या है, जब हम बोलते हैं कोई बिजनेस, कोई कंपनी क्या करती है, अपना जब प्रॉफिट अचीव कर लेती है तो वो प्रॉफिट जो रहता है वो क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारा। जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा, किसमें? शेयर होल्डर्स में। देखो पहले प्रिफरेंस शेयर्स को दे दिया परसेंट पे, इक्विटी शेयर्स को दे दिया, अब उनके पास और पैसा बचा वो किसको देगा? इक्विटी को। क्योंकि मैंने क्या बोला था, इक्विटी शेयर्स आर दी ओनर्स। वो क्या है? ओनर्स। अगर मैं कोई बिजनेस चला रही हूं तो मैं क्या हूं? ओनर। जितना पैसा कमाऊंगी क्या करूंगी? खुद रख लूंगी। तो वैसे इसके अंदर होगा ना कि जो ओनर्स है, जो भी बाकी का पैसा है, जो भी बाकी का प्रॉफिट है, किसके पास जाएगा? ओनर्स के पास। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है वो क्या होता है बेटा, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज अ डिविडेंड। जब भी तो इक्विटी शेयर इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लिया कंपनी ने तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसको होने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो बेटा जब ये चीज होती है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट इसके अंदर मैंने कहा कि अगर जितना प्रॉफिट है उसका 1/4 पार्ट
उसका 1/4 पार्ट कंपनी अपने पास रख लेती है। इट इज नॉट अ कंपल्सरी, ये कंपल्शन नहीं है कि हर साल एवरी ईयर वो लोग रिटेन करे, पर कभी कभी क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी को यार फ्यूचर में मुझे अच्छा ग्रोथ करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/4 रख लिया। ऐसे कुछ स्टार्ट कर देते हैं रखना, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, पैसा रखना स्टार्ट कर देगी, और जब आफ्टर 10 ईयर्स उसके पास अच्छा पैसा हो जाएगा तो वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, एक्सपांड कर सकती है। तो इस चीज को बोला जाता है रिटेन प्रॉफिट। जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अपने पास एज अ सेविंग्स रख लेती है कि वापस उसको री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, ये पैसा वो पर्सनली यूज नहीं कर सकती, ये पैसा उसे वापस क्या करना पड़ता है, बिजनेस में ही लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं है मैंने रिटेन कर लिया मैं घर लेके चली गई, है ना, ये ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर आपको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। अगर चलो मैं एक पर्सनली एग्जाम्पल देती हूँ अपने डोमेस्टिक लाइफ के अकॉर्डिंग, समझ लो हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को क्रेज है बाइक्स का, किसी को क्रेज है कार का, किसी को कुछ है कि घर लेना है, बड़ा बंगलो लेना है, ये सब चीजें होती है ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हम गए मम्मी के पास, मम्मी पैसे चाहिए बाइक मुझे लानी है, मुझे सेलफोन लेके आना है, मम्मी का फालतू का पैसा तो मेरे पास नहीं है। पापा के पास गए, पापा ने बोला नहीं बेटा अभी इतना खर्चा नहीं करना है, तो हमने क्या सोचा यार चलो मैं खुद ही मेरी सेविंग्स करना स्टार्ट करती हूँ, राइट, मैं थोड़ा बहुत अर्न तो करती हूँ, इस बार ज्यादा फालतू का खर्चा नहीं करूंगी, इस बार मैं सेविंग्स करना स्टार्ट करूंगी। तो मैं क्या करूंगी बेटा, इसके अंदर मैं स्टार्ट करूंगी सेविंग करना, मैं मेरा मंथली क्या होगा, जो भी मुझे अर्निंग होगा उससे मैं कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर दूंगी, और जब वो मेरी सेविंग्स कंप्लीट होगी आई विल बाय दैट कमोडिटी, दैट थिंग, दैट बाइक, या मुझे जो भी लेके आना है उस अकॉर्डिंग मैं वो परचेज कर लूंगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिटेन अर्निंग। जो हम बोलते हैं कि मैं पर्सनली जो चीज करी उसको मैंने सेविंग्स नाम दे दिया, वही बिजनेस, वही कंपनी क्या नाम दे रही है, उसको रिटेन अर्निंग्स दे रही है। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेविंग्स बोलते हैं, वही वो कंपनी क्या बोल रही है, उसे रिटेन प्रॉफिट्स। जब अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हमने रिटेन करके रख लिया उसे बोला जाता है रिटेन प्रॉफिट, ओके। सो नाउ विल मूव फॉर द एडवांटेजेस ऑफ रिटेन प्रॉफिट्स। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले यूजफुल इन टाइम ऑफ रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है बेटा, जब वो बोलते हैं मार्केट में मंदी चल रही है, कंट्री डेवलप नहीं हो पा रही है, मार्केट में पैसा नहीं है, जब कंट्री डेवलप नहीं हो पा रही है, ग्रोथ नहीं कर हो पा रही है, तो क्या लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, नहीं होगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, और जब लोगों के पास काम नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, राइट, पैसा है नहीं तो डेवलपमेंट होगा कैसे। तो उस केस में कंपनी को तो अपना खर्चा चलाना पड़ेगा, आ रही है चीज समझ में। जब रिसेशन का टाइम है, हमारा कोई माल बिक नहीं रहा है, सब मंदी में है, सब मार्केट में पैसा नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरा बिजनेस कैरी ऑन करना है, कंटिन्यू करना है, खर्चे तो मुझे बैर करने ही पड़ेंगे, तो उस केस में ये रिटेन प्रॉफिट मेरे काम में आएगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट थोड़ा मेरा एज अ प्रोविजन बना के रखा है, ये प्रॉफिट मेरा काम में आएगा उस टाइम पे, क्लियर। सेकेंड वन, यूजफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में मुझे ग्रोथ करनी है यार, मुझे बहुत पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँ, सारा प्रॉफिट बांट दूंगी तो आएंगे कैसे पैसे, तो उस केस में मैं कुछ कुछ पैसा बेटा क्या करूंगी, रिटेन करती जाऊंगी, कि ताकि फ्यूचर में मैं क्या करूँ, एक्सपांड कर सकूं, मॉडिफाई कर सकूं, ग्रोथ कर सकूं मेरे बिजनेस का। देन नेक्स्ट इज यूजफुल टू परचेज न्यू असेट्स। न्यू असेट्स मुझे परचेज करनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रिटेन करके रखूंगी अपने प्रॉफिट को, सेव करके रखूंगी। देन नेक्स्ट इज फिक्स डिविडेंड पॉलिसी। फिक्स डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, अब जैसे मैंने कहा इक्विटी शेयर्स के अंदर कोई फिक्स डिविडेंड जैसा नहीं होता है, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं दिया। बट कुछ कुछ कंपनीज अपनी रेपो बनाने के लिए क्या करेगी, मुझे तो अच्छा रेपो बनाना है मार्केट में, मैं तो प्रॉफिट हो नहीं हो मैं तो डिविडेंड दूंगा, राइट, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, यार ये कंपनी तो डिविडेंड देगी, कोई भी टाइम हो कैसा भी टाइम हो अपने को तो डिविडेंड मिलेगा, बाकी सारी कंपनी को छोड़ो अपन तो यहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि डिविडेंड तो पक्का है ना। तो ऐसे जब कंपनीज बेटा पॉलिसीज बनाती है तो उनको हमेशा रिस्क रहता है, और जब रिस्क रहता है तो उस केस में वो क्या करेगी, वो अपना रिटेन प्रॉफिट रखने लग जाएगी, वो एक प्रोविजन बना के रखेगी कि ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए जब पैसा नहीं है, सो रिटेन प्रॉफिट्स में से यूज कर सकती है, क्लियर। देन नेक्स्ट इज बर्डन फ्री असेट्स। बर्डन फ्री असेट्स मतलब क्या हो गया इसके अंदर, जब हम बात करते हैं बर्डन फ्री असेट्स की, तो इस केस में क्या मुझे कोई असेट चार्ज पे रखना है,
अगर हम बैंक में जाते हैं लोन लेने, तो वो बोलता है कोई असेट्स रखो तभी हम आपको पैसा देंगे, ये तो मेरा खुद का पैसा है ना, तो क्या मुझे कोई असेट्स को चार्ज पे रखना पड़ेगा इसके अंदर? नहीं, मेरा पैसा है, मैंने रिटेन किया है, कभी भी मैं वापस इन्वेस्ट कर लूंगी। तो इस केस के अंदर बेटा हमें कोई असेट्स को नहीं रखना पड़ता कि हाँ आप असेट्स रखो फिर आपको पैसा मिलेगा, नहीं, ये तो मेरा कंपनी है, मेरा प्रॉफिट है, मैं मेरा पैसा वापस लगा रही हूँ बिजनेस के अंदर। ओके, तो इस केस के अंदर हमें कोई भी असेट्स को बर्डन पे नहीं रखना पड़ता है, कोई बर्डन नहीं है, हमें चार्ज पे नहीं रखना पड़ेगा असेट्स को। देन बोरोड कैपिटल कैन बी रिपेड, मैंने बाहर से पैसे लिए, लोन लिया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी मैंने पैसा लिया, तो उनको मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो उसे रिपे करने के लिए मैं रिटेन प्रॉफिट्स यूज कर सकती हूँ। जो मैंने ये सेव करके रखा है, रिटेन करके रखा है, वो पैसा मैं पेमेंट कर सकती हूँ, ये रिटेन प्रॉफिट्स है। ओके, देन नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर ही मैंने खुद का पैसा ही रखा है ना, मैंने बाहर से तो लिया नहीं, तो इसमें मेरा कोई खर्चा ही नहीं लगेगा बेटा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देनी, मुझे किसी को कोई सैलरी नहीं देनी, तो इस केस के अंदर क्या हो गया, इस केस के अंदर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई। अगर यही चीज मैं कहीं बाहर से लेती तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, तो दैट इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा है किसी को, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड लास्ट वन, दैट इज ओनर्स फंड। ओनर्स फंड ये हमारा खुद का फंड है, इस पे हमें किसी को इंटरेस्ट देना नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ओनर्स फंड। सो वी हैव रेड दिस एडवांटेजेस, दैट इज यूजफुल इन टाइम ऑफ रिसेशन, यूजफुल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स, यूजफुल इन परचेज ऑफ न्यू असेट्स, फिक्स डिविडेंड पॉलिसी, देन बर्डन फ्री असेट्स, बोरोड कैपिटल कैन बी रिपेड, एंड डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दी ओनर्स फंड। ये चीजें हमने इसके अंदर देखा, ये सब हमने इसके में एडवांटेजेस देखा। अब जहां एडवांटेजेस है वहां क्या आएगा, लिमिटेशन तो आनी है, जैसे हम देख रहे हैं सब में। अब इसमें बेटा लिमिटेशन क्या हो सकता है, एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। मोनोपोली जब हम बोलते हैं मार्केट में सिर्फ मेरा ही राज चल रहा है, मैं सुपर हूं, है ना, तो वो बोला जाता है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। अब देखो बेटा बहुत सारी कंपनीज है, छोटी कंपनीज होती है, बड़े बिजनेस होते हैं, तो जो बड़ी कंपनीज है जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, उसने क्या किया, उसने तो अपना प्रॉफिट जो है सेव कर करके रख लिया, ठीक है, ये रिटेन प्रॉफिट करके रख लिया, और एक टाइम पे उसमें करोड़ के उसके पास रिटेन प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या हो गया, उसने दूसरे जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स थे, जो भी यहाँ पे स्मॉल कंपनीज थी, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या कहा, मार्केट का मालिक तो मैं ही बन गया, अब मैं जो चाहूं वो करूं, मैं दूसरों के बिजनेस भी शट डाउन करवा सकता हूँ, ऐसी पोजीशन आ गई। तो ये क्या हो गया, ये एक मोनोपोली को एनकरेज करता है, इसके इसके अंदर हम बोल सकते हैं उसके पास पूरा पावर आ जाता है कि वो चाहे जो करे, दैट इज कॉल्ड एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। प्रमोट स्पेकुलेशन, अब इसके अंदर स्पेकुलेशन हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि हमने प्रॉफिट्स रिटेन करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या होगा, डिविडेंड कम दिया जाएगा लोगों को, है ना, शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड जो रहेगा वो कम रहेगा। तो जब डिविडेंड कम रहेगा तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर जो रहेंगे वो अपने शेयर वापस परचेस कर लेंगे, वो अपने शेयर वापस ले लेंगे, और जब उसकी वैल्यू, जब शेयर्स की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई ना, जब हम डिविडेंड दे रहे हैं, कम डिविडेंड दे रहे हैं, उस केस के अंदर शेयर की वैल्यू कम हो गई, शेयर की वैल्यू कम हो गई, तो सारे शेयर होल्डर्स वापस शेयर्स दे देंगे। जब वापस शेयर्स दे दिए, डायरेक्टर्स ने वो शेयर्स परचेज कर लिए, और उसके बाद उन लोगों ने वो रिटेन अर्निंग से ज्यादा डिविडेंड देना स्टार्ट किया, जिससे वापस क्या हो गई, रेट शेयर्स की बढ़ गई, और जब ज्यादा बढ़ गई वापस, तो वापस उनको सेल कर दिया। तो ये क्या है, स्पेकुलेशन, कम दाम में खरीदा और वापस उन्हें बेच दिया ज्यादा दाम में, तो ये क्या हो गया, उन लोगों ने एक स्पेकुलेशन क्रिएट कर लिया कि पैसा कम ले लिया और वापस उनको हाई रेट पे सोल्ड कर दिया, दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। तो ये रिटेन प्रॉफिट्स के हम बोलते हैं लिमिटेशंस है। देन थर्ड वन, डिफिकल्ट फॉर फाइनेंशियली वीक एंड न्यू कंपनीज। देखो जो भी हम बोलते हैं छोटी मोटी कंपनीज है जो इतना अर्न नहीं कर पा रही, या जो हम बोलते हैं नई नई कंपनीज अभी आई है, तो क्या उनके पास बेटा इतना प्रॉफिट होगा, क्या उनके पास इतना सरप्लस होगा, नहीं होगा ना, क्या इतना पैसा है उनके पास कि वो रिटेन कर सके, नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं कर पाएंगे तो आगे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकते कंपैरेटिवली टू दी अदर कंपनीज। तो इस केस के अंदर हम बोलते हैं वीक कंपनीज के लिए ये इशू हो सकता है और न्यू कंपनीज के लिए भी। नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बड़ी बड़ी कंपनीज में,
ठीक है, उन्होंने कहा कि यार इन्वेस्ट कर देते, अच्छी कंपनी है, अपने को डिविडेंड भी अच्छा मिल जाएगा। और पता चला वहां जाके कि कंपनी तो क्या कर रही है, रिटेन कर रही है और डिविडेंड कम मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, उनको तो डिविडेंड कम मिलने लग गया ना। तो इस केस में हम बोलते हैं कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा रिटेन होने लग गया उस केस के अंदर, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, जो कि इस ऐसा सोच के उन लोगों ने इन्वेस्ट किया कि उन्हें ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, बट हुआ क्या, कंपनी तो इन्वेस्ट नहीं कर रही है ज्यादा, कंपनी क्या कर रही है, रिटेन कर रही है प्रॉफिट, और उस केस में उन लोग का डिविडेंड कम हो गया। तो बेटा ये सब लिमिटेशंस है, इसके एडवांटेजेस भी है। तो कुछ हमने लिमिटेशंस देख ली, दैट इज एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। देन सेकंड, स्पेकुलेशन प्रमोट करता है, वीकर न्यू कंपनीज के लिए एक तरीके से बेनिफिट नहीं होगा और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बेनिफिट नहीं है। सो टुडे इनफ फॉर टुडे, देन विल कंटिन्यू इन पार्ट टू अवर बोरोड फंड्स, जो कि हमारा दूसरा सोर्स है। बोरोड फंड जब हम बोलेंगे, हम बाहर से पैसा रेस करेंगे, दैट इज फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, इन सबसे जब हम लेंगे, तो उस केस में जब पब्लिक डिपॉजिट इन सबसे हम लेंगे तो वो हम बाहर का पैसा रेस करते हैं। सो दैट विल कंटिन्यू इन अवर पार्ट टू। सो प्लीज, अगर आप लोग को पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो डन फॉर टूडे, बाय।